जब वो कृष्ण भगवान आए, सुनी थी रथ की घोर जोर, तो बण के मोर कुकावण लागे, नगरी के अंदर नारसैम के चारों तरफ लगावण लागे, डांट दिए दरवाजे पर लिया के हो गए खड़े कृष्ण जी आके, सारे सेठ पास मजाक एकदम हाथ मिलावण लागे, नगरी के अंदर नारसैम के चारों तरफ लगावण लागे। कैसी आप हाथी कैसे वस्त्र कृष्ण भगवान ने पहने थे, के सांवली सूरत छैल छबीला, पीताम्बर बाणा जबर वसीला, उसका मीठा मीठा बोल रसीला, वे सब तब प्रेम बढ़ावण लागे, नगरी के अंदर नारसैम के चारों तरफ लगावण लागे। सारे सेठ मनसा के पास गए के निवले सेठ जी, यो कौन सा रिश्तेदार कत्ते भी ना दिखाया, देख कितना विशाल काय तो इसका रथ। और मनसा ने भी माथा हाथ लागे देखा, निवले भाई साच बताऊं बब्बे छाणिया मन ने भी कौन आयो, न्यू किसी का जत्सा है कौन है, बाबिया गल भी हो सके है। और उड़ा जाके सारे सेठ खड़े हुए, बोला जी माफी चाहते हैं, बब्बे छाणिया कौन है, कड़े ता कौन सी रिश्तेदारी मां गाया, आप कौन हो कहां से आए हो। कृष्ण भगवान ने अपना परिचय दिया था, बोला भाई मैं सुनो मैं कौन सुन कड़े ता हूं क्यों आया हूं, मैं नरसी का दास रहू सू, बण के मुनीम इसका खास रहू सू, रम घने देना तो पास रहू सू, बात भरना जावण लागे, नगरी के अंदर नारसैम के चारों तरफ लखावण लागे। भाई तुम सबको पता है मेरे सेठ ने तो सारा कार व्यवहार छोड़कर उसी शोर के नाम की माला ठाली, और मन ने इसका सारा व्यापार सारा बिजनेस में इसका मुनीम हूं मन संभाल रखा। और मेरा सेठ कह गया था भाई बहुड़ा छोरी का जान हूं ब्याह मर तुम बात के टाइम पर आ जाइए, मैं तो अपने सेठ के आदेश के अनुसार आया हूं। सारे सेठ निबले उस मन साधा निबले रहे डूब का मरे, तो कपड़ों को देख के इसकी फकीरी को देख के तू इस नड़के में ले गया। अरे यो वो है मंगूमल सेठ का छोरा सा, तने गौशाला में छोड़ रखा, एकदम पलटी मार गया मनसा सेठ, बाज का नरसी की गोली भरी आई रे नरसी, अरे तू मेरा समधी, अरे मेरा रिश्तेदार, अरे बार के करे है कमरे में चाल, सोफा बेचा रखा, उड़े बैठ मैं तेरी सेवा करूं, तू मुंह तक काट जो चीज चाहिए वह तेरे हाजिर होगी। के देख के मनसा सेठ डरिया से, ना जगदीश कसूर मेरा से, मन तेरा कमरे में इंतजाम करिया से, न्यू नरसी ने बुलावण लागे और नगरी के नरनार सैम के चारों तरफ लखावण लागे, अंदर ले जाके अरे बोला भाई तू सोफे पर बैठ, मेरा रिश्तेदार है जो तेरी इच्छा हो मुंह तो काट, तेरी खातिर वाय चीज हाजिर होगी। नरसी ने बोला सारे बार हो जाओ और उस मुनीम ने बुला दियो एक बार। कृष्ण भगवान जो वेश बदल कर आए थे कमरे में बुलाए, और नरसी ने बोला रे छोरा कौन है तू। कृष्ण भगवान हंसते रहे के सेठ जी मैं आपका मुनीम हूं। निवलारा साची बता दे कौन से, के सेठ जी मैं आपका मुनीम। निवलारा घने जुलम मत करे, कदे मेरा बाबा जी ला रहा हो, कदे मेरा मुनीम भी थे, अरे एक नहीं तेरे कैसे कई कई थे, और आज मेरे को किसी और की इंतजारी, तू घना जले पर नमक मत छिड़के। और बैठ के नरसी रोने लग जाता, जिस पार ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए ऋषि मुनि सन्यासी योगी 88,000 साल का तप कर देते हैं, एक बार भी उसका साक्षात्कार करना कठिन होता, नरसी ने दो बार कराया। एक बार तो एक पाई के लिए शमशान में मरण जा रहा था उड़े, और एक बार उस बंद कमरे में जब बैठ कर रोया तो वही आवाज आती जो शमशान घाट में आई थी, ए नरसी तू किसके लिए मरता। वह आवाज सुने नरसी लखाया, वो विष्णु भगवान का चतुर्भुजी रूप खड़िया, और पाया के लपट गया, निवला हे महाराज ई बाया से तू, और ई बितरा रथ देखा वो खाली पड़िया से, और देख देख बात की चिट्ठी, देख कितना सोता इसमें लिख रखा। कृष्ण भगवान हंसते रहे, निवला रे बावड़ा मैं के देखू मेरा सब देखा बाड़ा, तू आगत आगे सौदा देख और बात देख, चुकर भरिया जा से। कैसे यहाँ कृष्ण भगवान ने और नंदी कह नरसी के नाम का भात भरिया, अरे भात का नरसी करण लाग्या
सुगर दे चंता कर सन भात भरण लाग्या अर खड़ी सुगर दे चंता कर सन भात भरण लाग्या तेरा भात सदरसी कर सन आके चक्कर करण लाग्या खड़ी सुगर दे चंता कर सन भात भरण लाग्या होए 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 खड़ी सुगर दे चंता कर सन भात भरण लाग्या बात का नरसी किरसन आगे जकर करण लाग्या उड़ा खड़ी चुगर दे जनता किरसन बात भरन लाग्या यहाँ वो बात की चिट्ठी खुलती के सोता मंगारा खेदा मनसा सेठ ने वो आग ताकत धरिया पाया के मंगा था पता मर गोले पच्ची समण पता मर गोले पच्ची समण पता मर गोले पच्ची समण पच्ची समण दाग छुआरे सच्चे चीर जरी के वो गणवार न्यारे न्यारे शाल तू साले रे सच्चे लहंगे कट गुजराती सारे उड़ा चुंदड़ी पे पे ते मेहनती पे नंद के दुलारे बेटा विवेक सर आवत बहुत मान सम्मान पहले 100 रुपए और देते हैं बार बार धन्यवाद परमात्मा लंबी उम्र हो धन्यवाद धन्यवाद देखिए आज भी रिवाज को सगाई करण जा से रिश्ता ले जा सके बात छुछक ले जा से वो खरड़ की मान करे अगर हर किसी का और घना प्यो तो वो देड़ी की मान कर देगा और भी घना प्यो तो सारी नगरी की मान कर देगा ये रिवाज आज से नहीं है ये रिवाज तो जब कृष्ण भगवान ने नंदी का भात भरिया उस टाइम भी उसने भी सारी नगरी की मानता न करी थी पर उसका तरीका कुछ अलग था विवेक सह रहा छोटा बेटा 100 रुपए और ये गुड़िया बिटिया 100 रुपए से मान सम्मान करती है बार बार धन्यवाद लंबी आयु हो परमात्मा बार बार धन्यवाद धन्यवाद चवन्नी अठन्नी और रुपया ओए परसन लागे भाई गरीब पर गुर के तुगण लागे गे पारक और लुबाई मन सेठ न्यू कहे बात एक सुनियो मेरी सच्चाई ओए सेठ आत्मी रखोटा भरण लाग्या
बरसात हुई सजनों, सवन्नी अठन्नी और रुपया बरसन लागे भाई, गरीब और गुर्गे चुगण लागे बालक और लुगाई, मनसा सेठ ने कहे बात एक सुनियो मेरी सचाई, अरे को सेठ आदमी को डाऊ मठाइयो पैसा पाई। क्यों? क्योंकि जब मनसा सेठ बारात लेकर गया था तो नरसी के बाप ने ये काम किया था, जब बार उठी चाली 56 करोड़ माया का मालिक नरसी का बाप मंगूमल सेठ था, बार उठी चाली उसने चांदी के सिक्कों की बखेर करी थी, इतनी बखेर करी थी जो बराती जा रहे थे उन बरातिया ने भी वो सिक्के चुग लिए थे। अरे जब मनसा सेठ ने कहा था मेरी माटी पिटवा दी, मेरी बेइज्जती करवा दी, अरे बरात माया कभी तुम नहीं सुना तो दौलत के नशे में माया बखेरे दी थी, अरे तुमने चुगे ली निवलारा वो का वो छल जो इसके बाप ने जब अपनी चौखट पकड़ा था जी सुना का मेरी चौखट पकड़ दिया, वाह बरसात कर दी रहा बेइज्जती मत करा दियो, असली का बनिया का खानदानी खून थरी रगो में हो तो क्या मैं बरसाओ भाई कोई नहीं चुगा का कदे वाह माटी पिटवा दे वाह बेइज्जती करवा दे। सारे सेठ मनसा के झंडे तले खड़े निवला बात सुन दे रहे, जब तो गलती बन गई थी असली खानदानी बाड़िया बाणिया के बालक सा यो क्या बरसाइयो चुगोगे नहीं, सारे बाणिया बतलाओं और नरसिंह ने कहा महाराज ये सारे बाणिया इकट्ठे हो रहे के करेंगे मेरी गैल, निवला रे बाहुला इनकी के औकात छे, इफ तो क्या करेगा तो तू है करेगा देख मेरा तमाशा, एकाएक बरसात बदल गई और क्यों बरसन आ गया ये बरसात। और पुखर राज लसनिए नीलम और पुखर राज लसनिए नीलम और पुखर राज लसनिए परसन लगी सच्ची मोर हीरे मोती रे पन्ने परस असर फिया पे ओ क्या जोर पट पट सेठ पिछु गण लाग गए सेठा का पाट्या जोर दो सोने चांदी के पाथर सब सेठा का पाट्या जोर नरसी भरिया उमंग में भगत के नरसी भरिया उमंग में भगत के कष्ट हरण लाग्या उड़ खड़ी चुगर तर संकार कर सन भाथरण लाग्या खड़ी चुगर तर और पुखराज लसनिए बरसन लागी सच्ची मोहर हीरे मोती पन्ने बरसे असरफिया पो या जोर बड़े बड़े सेठ भी चुगण लाग गए जो मारे थे आपस में बोर और दो सोने चांदी के पाथर सब सेठा का पाट्या तोर, जब ये हीरे मोती पन्ने असरफी वे बरसी थोड़ी बार तो मनसा की शर्म करी, मनसा जिंग आना खड़ा हो उसकी पीठ पीछे पाछे तो ठाव गोज मगा नेर तन कन्यू कन्यू मनसा दोर खड़े हो जाए, फिर मनसा न्यू ना खड़ा हो उसकी पीठ पीछे ठाव गोज मगा नर फिर न्यू खड़े हो जाए, अरे वाह बरसात इतनी तेज बढ़ गई इतनी तेज बढ़ गई भूल गए सब मनसा कौन किसका केर लग गया था, मनसा के पंजा मागे भी चुग ले गए सारे बनिया कोटे कोटे माया चुगड़ लाग रहे और मनसा माथे मार मार करवा दी बेइज्जती करवा दी बेइज्जती, पर कोई नहीं सुने कोटे कोटे सारी माया चुग ले गए। उसी सरसेगढ़ में धोबन थी जिसने धोबी का हाथ पकड़ा और अपने आंगन का तो साकड़ ला दी और धोबी ने पकड़ के उड़ो अक्साल घाट पर तो लियाऊंगे ठा गए, कृष्ण भगवान की माया थी माया जो वर्ष थी वह लाल डोरे का भीतर सरसेगढ़ का वर्ष थी पार कुछ नहीं था, उड़े घाट पर गए उड़े धूल उड़े धोबी तो बने आपस में लखाए बोलिया नहीं गया उल्टे बाज लिए और आके अपना आंगन की सांकड़ खोली अपना आंगन में बड़े उड़े भी धूल उड़े क्यों जो आंगन में पड़ी थी उसने पड़ोसी ठा ले गए, फिर जाके निवली रे भाई
होगा तू सेठ का मुनीम, मारी खातिर कुछ ना तू ना नात्रा सेठ। अरे क्या थे सारी नगरी न दान मान माया मिली, हमारे बाट के माया है नहीं। फिर कृष्ण भगवान अश्कन बिलारी क्या न खाई, फिर ले फिर प्रसाद होने लगी। इतना तो पढ़ना न्यू नहीं क्या ली रे बेटा, थाम दे इतना बरसेगा। Get us under.